केरल में एक हथिनी के साथ अमानवीय घटना सामने आई जब कुछ लोगों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। पटाखे हथिनी के मुंह में ही फट गए और गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई। ये घटना वन विभाग के एक अधिकारी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही वायरल हो गई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रेस्क्यू टीम में शामिल मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर लिखा, मादा हाथी खाने की तलाश में जंगल से पास के गांव में पहुंच गई थी। यहां वो इधर उधर घूम रही थी। इसके बाद उसे कुछ लोगों ने पटाखे भरे अनानास खिला दिए। मोहन कृष्णन ने आगे लिखा, पटाखे इतने असरदार थे कि उसका मुंह और जीभ पूरी तरह से जख्मी हो गया। वो खाने की तलाश में पूरे गांव में भटक रही थी। दर्द के चलते वो कुछ खा भी नहीं सकी। मादा हाथी ने घायल होने के बावजूद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही किसी पर हमला किया। उन्होंने लिखा, मादा हाथी खाने की खोज में वेल्लियार नदी तक पहुंच गई थी क्योंकि उसके पेट में बच्चा था। वो पानी में खड़ी हो गई। पानी में मुंह डालने से उसे थोड़ा आराम मिला। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम हथिनी को लेकर आई। हालांकि कुछ देर बाद ही हथिनी ने दम तोड़ दिया था। अधिकारियों ने बताया कि पटाखे उसके मुंह में ही फट गए थे, जिससे मुंह और जीभ पूरी तरह से जख्मी हो गया था। दर्द के कारण वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्वाड ने केरला के सीएम श्री पिनाराई विजयन को लेटर लिखा और लेटर में कहा कि कई सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली है कि एक गर्भवती हथिनी को जख्मी कर दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूम पड़ा है कि मादा हाथी खाने की तलाश में गांव में पहुंची थी, लेकिन उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया, जिसके वजह से वो काफ़ी जख्मी हो गई। फिर भी उसने किसी पर हमला नहीं किया। मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सख्त से सख्त एक्शन लें और जिन लोगों ने ऐसा किया है, इस दुष्व्यवहार के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं और उन्हें सजा दें। हालांकि जब से ये लेटर पोस्ट किया गया है, तब से जितेंद्र आव्वाड के विरोधी उन्हें सोशल मीडिया पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।